ए वेरी वाम गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट टूडे वी आर डिसकस अबाउट आवर नेक्स्ट टॉपिक मेडिसनल यूज़ ऑफ़ माइक्रो ऑर्गेनिज़म ओके बेटा अभी हम मेडिसिनल यूज़ देखेंगे हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज़म के ऊपर हम कैसे मेडिसिन का यूज़ करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम को ठीक है वैन एवर यू फॉल इल द डॉक्टर मे गिव यू सम एंटीबायोटिक टैबलेट ओ कैप्स और इंजेक्शन जब भी आप बीमार होते हो आपको डॉक्टर क्या रेफर करता है एंटीबायोटिक टैबलेट कैप्सूल और इंजेक्शन सच एज ऑफ पैनिसलिन मतलब कि इनमें से, से ज़्यादातर क्या होते हैं पेनीसिलन होती है मेडिसिन। दी सोर्स ऑफ दिस मेडिसन इज़ माइक्रो ऑर्गेज़म और जो हमारे पास मेडिसिन का सोर्स होता है वो क्या होता है बेटा हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म दिस मेडिसन किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ द डिसीज़ काजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज़म और जो बेटा किसके लिए हेल्पफुल होती है हमारे पास किल और स्टॉप मतलब कि मारने और उसकी ग्रोथ को रोकने के लिए जो हमारे पास डिसीज़ काजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज़म होते हैं सच मेडिसन आर कॉल्ड एंटीबायोटिक्स और इस मेडिसन को क्या बोलता है बेटा एंटी दिस डेज ए नंबर ऑफ एंटीबायोटिक्स आर बींग प्रोड्यूस फ्राम बैक्टीरिया एंड फनजाई आज के दिनों में बेटा जो ज़्यादातर एंटीबायोटिक्स है वो किससे बनाई जा रही हैं बैक्टीरिया और फंजाई से स्टेप स्टेप्टोमाइसिन टेट्रासाइक्लिन एंड एथ्रोमाइसिन जी बेटा तीन हमारे पास एंटीबायोटिक्स है आर सम ऑफ द आर सम कॉमनली नॉन एंटीबायोटिक्स विच आर मेड फ्रॉम फंजाई एंड बैक्टीरिया ये हमारे पास कॉमनली एंटीबायोटिक्स हैं जो किससे बनाई जा रही हैं फंजाई और बैक्टीरिया से दी एंटीबायोटिक्स आर मैनुफैक्चर बाय ग्रोइंग स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूज टू केयर ए वराइटी ऑफ डिसीज ये हमारे पास जो माइक एंटीबायोटिक्स है वो किसके लिए यूज़ की जा रही है बेटा जो हमारे पास स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब की जो डिसीज काजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनसे केयर करने के लिए बॉडी की एंटीबायोटिक्स आर इवन मिक्स विद द फैट ऑफ लाइफ स्टॉक एंड पोल्ट्री टू चेक माइक्रोबल इन्फेक्शन इन एनिमल जो हमारे पास एंटीबायोटिक होती है बेटा वो हमारे एनिमल के लिए भी यूज़फुल होती है उनके ऊपर भी मतलब कि हमें उनको भी प्रोवाइड की जाती है कि उनके जो डसीज़ है उनको रोका जा सके दिस आल्सो यूज़ टू कंट्रोल मैनी प्लांट डिसीज़ और जे मैनी प्लांट जो हमारे पास प्लांट के डिसीज़ होते हैं उनको भी रोकने के लिए ज़्यादा जरूरी होती है बेटा जे आपके लिए मेन है थोड़ा सा इट इज़ इम्पोर्टेंट टू रिमेंबर दैट एंटीबायोटिक शुड भी टेकन ओनली द एडवाइस ऑफ क्वालिफाइड डॉक्टर आप जब भी एंटीबायोटिक का यूज़ करो तो उसको जब तक आपको डॉक्टर रेफर ना करे बेटा उससे पहले आपको एंटीबायोटिक का यूज़ नहीं करना इसलिए आपको क्वालिफाइड डॉक्टर से पहले मतलब कि चेकअप करवाना होगा फिर आपको एंटीबायोटिक यूज़ करनी होगी ऑल्सो यू मस्ट टू कम्प्लीट द कोर्स प्रिस्क्राइब बाय द डॉक्टर आपको सबसे पहले बेटा अपना पूरा कोर्स कंप्लीट करना पड़ेगा आपको अगर बीमार हो तो आपको जो मेडिसिन दी हुई है आप उतने टाइम तक कि उसको लोगे इफ़ यू टेक एंटीबायोटिक वेन नॉट नीडेड और इन द रोंग डोसेस मतलब कि अगर आप एंटीबायोटिक को अपनी मर्जी से लेना स्टार्ट कर दोगे या उसकी रोंग डोसेस लेना स्टार्ट कर दोगे इट मे टेक इट मे मेक द ड्रग लेस इफेक्टिव वेन यू माइट नीड इन फ्यूचर और वो आपके लिए फ्यूचर में अफेक्टिव होगा मतलब कि आपके लिए डेंजरस हो सकता है आल्सो एंटीबायोटिक टेकन अननेसेसरी में किल देनिफिशियल बैक्टीरिया इन द बॉडी अगर आप एंटीबायोटिक लार्ज क्वान्टिटी में मतलब कि लेना स्टार्ट कर देते हो तो आपके जो बेनिफिशियल बैक्टीरिया होते हैं बॉडी के उनको वो किल करना स्टार्ट कर देती है आपकी एंटीबायोटिक्स एंटीबायोटिक्स हाउ एवर आर नाट इफेक्टिकव अगेंस्ट कोल्ड फ्लू एज दिस कार काज बाय वायरसेस अगर आप बिना डॉक्टर से कंसल्ट किए अगर आप कोल्ड और फ्लू की एंटीबायोटिक लेना स्टार्ट कर देते हो तो बेटा वो भी आपके लिए ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होगी क्योंकि आपके पास जो कोल्ड एंड फ्लू है वो आपका कैसे कॉज होता है बेटा वायरस की वजह से इसके लिए बेटा आप डॉक्टर से पहले कंसल्ट करोगे फिर ही आप उसको एंटीबायोटिक लोगे ओके okay, बेटा ये था आपका टॉपिक मेडिसिनल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज़म